तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं एब्रॉस के लेटेस्ट आर्टिकल्स की। ये चार आर्टिकल्स हैं जिनकी एमआरपी 1119 रुपये है, मैक्सिमम स्टार्टिंग है 799 से। मैंने अभी इनके हायर रेंज वाले जूतों को नहीं टच किया है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चलिए 1799 तक के जूते तो इनके जेन्युइन प्राइस पे हैं, थोड़ा सा एवरेज प्राइस आप कह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो इनके ट्यूब वाले सोल वाले जूते हैं उनकी एमआरपी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है। इसके वजह से मैंने अभी उन जूतों को नहीं मंगाया है, उनकी अनबॉक्सिंग नहीं किया है। कुछ ऐसे आर्टिकल आएंगे, अगर मुझे लगेगा कि वो जेन्युइन प्राइस पे है तो मैं उसका अनबॉक्सिंग ज़रूर करूँगा। तो चलिए इन जूतों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल है सेल, इसका आर्टिकल नंबर है ASG1301 वाइट ऑरेंज कलर और दूसरा है नेवी रेड। इसकी एमआरपी 1199 रुपए है। ये देखिए लुक वाइज, सबसे पहले जूते को लुक वाइज बहुत ही प्यारा ये जूता है। इसका एक कलर और है नेवी, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आपका नेवी कलर और ये आपका वाइट कलर। तो जूते बहुत ही अच्छे हैं ये वाले। तो चलिए वन बाय वन इसके क्वालिटी की बात करते हैं। सबसे पहले इसके हम लोग सोल के बारे में बात करते हैं। 1119 के एमआरपी के जूतों में एब्रॉस ने फाइलोन सोल दिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ में इसका जो मिड सोल है ये भी काफ़ी स्पंजी है, मतलब आपको पहनने पे इसमें काफ़ी सॉफ्टनेस का फील होगा अंदर से, और रनिंग वगैरह के लिए जूते आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी फाइलोन सोल है, ग्रिपिंग भी अच्छी आपको मिलेगी। इसका इंसोल देख लेते हैं। इसमें नॉर्मल इंसोल का यूज किया गया है जो कि एक सिर्फ फोम होता है और इसमें कुछ नहीं होता, तो इसमें मेमोरी फोम लगा देते तो ये बहुत ही बेटर जूता हो सकता था, लेकिन एमआरपी वाइज 1119 है, डिस्काउंट वगैरह के बाद ये 1000 के अंदर आपको मिल जाएगा, तो उस हिसाब से ये जूता बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है 1119 एमआरपी के साथ। अब इस जूते के अपर साइड की बात कर लेते हैं। अपर साइड में आप सबसे पहले ये देखिए इनका जो मेस है, मेस बहुत ही सॉफ्ट यूज किया गया है और वो छूने से भी फील हो रहा है, और ये जूता इस मेस की वजह से काफ़ी ब्रीदेबल होने वाला है। साथ में आप साइड सोल में देखिए, साइड में एक पैच लगाया गया है रैक्सीन का, जिसके वजह से एक लुक अच्छा बन के तैयार हो रहा है। साथ में यहाँ पे आप देखिए कुछ ब्रांडिंग करके दिया है, एप्स प्रो रन, रन मतलब कि रनिंग, तो मैंने शुरू में बोला कि ये रनिंग के लिए जूता आपका परफेक्ट होगा। साथ में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेसेस टाइट होते हैं, यहाँ पे भी रैक्सीन का एक पैच लगाया गया है ताकि यहाँ से रिबन जब टाइट करें तो आपका फटे वगैरह नहीं। ब्रांडिंग देखा जाए तो इनके टंग पे लिखा गया है, यहाँ पे लोगो है एब्रॉस का, और यहाँ पे बैक साइड में सोल में एब्रॉस का लोगो दिया गया है। फोम की बात किया जाए तो टंग में बिल्कुल फोम ना मात्र का लगा है, बैक साइड में थोड़ा बहुत फोम लगा है। इसका वेट करके देखते हैं, वेट के मामले में भी जूता बहुत अच्छा है, 265 ग्राम, तो एक ये परफेक्ट जूता है, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इनका CTN, आर्टिकल नंबर है ASG0178N, ब्लैक कलर का है, 1119 इसकी भी एमआरपी है। तो लुक वाइज आप देखेंगे तो बिल्कुल जैसे कैंपस का नॉर्थ आर्टिकल होता है उसी को कॉपी करके बनाया गया है, लेकिन काफ़ी कुछ अंतर है, लुक वाइज अच्छा लग ही रहा है। साथ में इसके सोल की बात करते हैं, ईवा सोल पे यहाँ पे एयर कैप्सूल को पेस्ट किया गया है, तो ईवा सोल पे ये कर दिया गया है, तो एक अच्छा जूता मतलब सोल वाइज भी आप कह सकते हैं, लेकिन रनिंग के लिए मैं ईवा सोल को कभी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये जूते रनिंग करते करते आपके नीचे से घिसेंगे और जो ग्रिपिंग होगा वो भी कम होता चला जाएगा। इसका जो अपर मेस है वो भी थोड़ा हार्ड टाइप का है, देख लेते हैं अंदर से फोम का यूज किया गया है, अपर काफ़ी हार्ड है तो ब्रीदेबल थोड़ा सा मुझे लगता है कम होगा, लेकिन इसमें अच्छा पार्ट है कि इन्होंने मेमोरी फोम वाला इंसोल का यूज किया है और टंग पे ब्रांडिंग किया गया है, साइड में यहाँ पे लोगो लगाया गया है, सोल पे कोई ब्रांडिंग नहीं है, यहाँ पे एयर कुशन वगैरह लगाया गया है। और वेट इसका चलिए करके देखते हैं, वेट 240 ग्राम, और 1000 के आसपास ये जूता लुक वाइज आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है मैग्नाइट ASG0197, ब्लैक रेड कलर का है, इसकी भी एमआरपी 1119 रुपये है। तो सबसे पहले हम लोग इसका लुक देखते हैं, तो लुक वाइज देखा जाए ये जूता बहुत ही अच्छा है, लुक में आप कहीं से भी कोई भी कमी नहीं पाएंगे। अपर मेस जो इसमें यूज किया गया है बिल्कुल हार्ड वाला यूज किया गया है, हार्ड मेरा कहने मतलब नहीं होता कि बिल्कुल पत्थर है, एक जैसे ये होता है नेटिंग का, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है जो कि कैंपस और ये सब यूज कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा क्लोथिंग का मिक्सअप करके इस मेस को बनाया गया है, तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है अपर में, और इसमें देखिए हार्ड की वजह से इसमें काफ़ी उभरा हुआ डिजाइन भी पैटर्न तैयार कर दिया गया है, और ब्लैक और रेड कलर का कॉम्बिनेशन लुक काफ़ी अच्छा बना रहा है, तो लुक वाइज इस जूते को आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी की बात किया जाए तो सोल ईवा वाला सोल का यूज किया गया है जो कि काम चलाओ सोल होता है,
इसमें लिखा है एप्स बाउंस, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें बहुत बाउंसिंग आपको फील होगा। ईवा सोल है ना, तो इसमें कैप्सूल लगा है ना, फिर टीपीआर वगैरह है, तो ये बाउंसिंग नहीं होगा। साथ में इसमें यहाँ पे देखिए लेसेस वगैरह टाइट करने के लिए रिंग लगाया गया है। लुक वाइज ये जूता परफेक्ट है, क्वालिटी वाइज में थोड़ा सा डाउन है, बस इसकी अच्छी बात है कि इसमें इनसोल जो यूज किया गया है वो है मेमोरी फोम वाला। इसका चलिए वेट करके देखते हैं, वेट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, 212 ग्राम इसका वेट है, तो वेट के हिसाब से ये जूता अच्छा है लुक और वेट। अब नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं ग्लाइड एंड पे, ये आर्टिकल पुराना आर्टिकल है इनका, पहले ग्लाइड के नाम से आता था, अब ग्लाइड एंड के नाम से आता है। एक कलर और अवेलेबल है इसमें, ब्लैक कलर, तो दो कलर अवेलेबल है, कलर कई आते हैं हम लोग के पास इस समय, ब्लैक एंड व्हाइट अवेलेबल है। 799 एमआरपी के बाद ये 700 रुपये में आपको हंसते हंसते ऑनलाइन हो चाहे रिटेल हो हर जगह आपको मिल जाएगा। क्वालिटी इसमें ईवा सोल है, अपर का जो मेस दिया गया है वो काफ़ी सॉफ्टेड है, ब्रीदेबल होगा ये जूता, और इसमें जो नीचे इनसोल का यूज किया गया है वो है मेमोरी फोम, तो 700 रुपये में बेस्ट जूता आप इसको कर सकते हैं। तो ये चार जूते थे, आपको क्वालिटी वाइज लेना है तो आप ये जूता ले सकते हैं, क्योंकि 1119 में फाइलोन सोल दिया गया है, रनिंग के लिए ये बेस्ट जूता है। जिनको ब्लैक बहुत पसंद आता है वो ये जूता ट्राई कर सकते हैं, ईवा सोल के साथ नीचे इसमें एयर कैप्सूल भी दिया गया है। जो सिर्फ लुक को पसंद करते हैं, लुक वाइज ये ब्लैक और रेड कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बनाया गया है। अगर आपका बजट 1000 के भी अंदर है, 700 तक है, तो आप ये जूता ट्राई करिए। आशा करता हूँ कि एब्रॉस के ये लेटेस्ट आर्टिकल का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।